तो सोने चांदी के महल बनाने वाले हैं, 18 महीने में फूटी कौड़ी खर्चने की, 10 तारीख के बाद वो बोलेंगे मेरा खजाना खाली है, फिर लिखवा लीजिए, फिर बोलेंगे खजाना खाली है, और बोलेंगे मोदी जी 10,000 करोड़ दे दो। सर ऐसा है कि निर्मित तो कुछ किया नहीं, अब विध्वंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऑफ टाइम में मिलने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, आपका धन्यवाद। 3 उपचुनाव का अंतिम चरण, अभी 6 बजे चुनाव अभियान पब्लिसिटी वो समाप्त हो रही है, हो गई है, और परसों पोलिंग होने जा रही है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे थे, वो चारों खाने चित्त हुई, 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती, 68 विधानसभा क्षेत्रों में, 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल की, 12 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर सरकार में रहते हैं, 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे मुख्यमंत्री जी को मिलाकर, 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में से 5 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे, जो चेयरमैन की, ओएसडी की, एडवाइजर्स की, कैबिनेट रैंक की बड़ी बड़ी और फौज बनाई है, वो सारी फौज अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हारे। हमें लगता था कि उस चुनाव के हारने के बाद सरकार कुछ सबक लेगी, परंतु सरकार बिल्कुल विपरीत तरीके के साथ जनता के साथ पेश आती हुई दिखाई दे रही। हमने उस चुनाव में भी सरकार से पूछा था कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने विकास कार्यों की बदौलत वोट मांगें, आप बताएं कि आपने 18 महीने में जनहित का कौन सा काम किया। परंतु वो चुनाव भी निकल गया। इस चुनाव में भी कम से कम 10 बार मीडिया के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी से कहा कि वो काम गिनाएं और वोट मांगे, परंतु 18 महीने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर बिता दिए। 18 महीने का समय हिमाचल प्रदेश की 80 लाख जनता का इन्होंने बर्बाद कर दिया, और एक फूटी कौड़ी का काम जनहित के अंदर नहीं किया इन्होंने। बोले देहरा विधानसभा क्षेत्र की हर गली हर सड़क संगमरमर की होगी, हर भवन सोने चांदी का बनेगा, और आसमान से अब सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। ये हालत देहरा के अंदर बना करके रख दिया इस झूठ के पर्वत ने,
और फिर खजाना इनका खाली है, खजाना खाली। हिमाचल की जनता को क्या दिया है इस सरकार ने, उसके बारे में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। 18 महीने में खून, हमने देखा किस तरह से एक दलित युवा 25 साल का और चंबा में उसकी नृशंस हत्या होती है, भयावह स्थिति, आरे से उसके शरीर के टोटे करके और खड में डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी आज तक उस घर में संवेदना व्यक्त करने नहीं। प्रदेश को संदेश मिल गया कि जो भी कुछ हो जाए ये सरकार असंवेदनशील है और उसका सिलसिला जारी है। 97 से ज्यादा खून, 300 से ज्यादा बलात्कार और बहनों के साथ अत्याचार के मामले, 2400 से ज्यादा चिट्टा माफिया, ड्रग माफिया के मामले, और अब सरकार के संरक्षण में चिट्टा माफिया पनप रहा है। बिलासपुर का गोलीकांड इस बात का पूरा पूरा सबूत है कि चिट्टा माफिया के ऊपर चिट्टा माफिया द्वारा गोली चलाई जाती है और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व विधायक का बेटा उसको पुलिस अरेस्ट करती है। कहां खड़ा है हमारा प्रदेश? बिगड़ती कानून व्यवस्था, नालागढ़ के अंदर सरेआम कट्टा दिखा करके और भूमि हथियाने के मामले, बद्दीप रोटी वाला में सरेआम गेम्स चल रही हैं फायरिंग के मामले, और वो कबाड़ माफिया उनका फायरिंग का मामला। ये हिमाचल प्रदेश की, शांत प्रदेश की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की देन है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अब काम की चीज है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वो दरकिनार हैं, मित्रों का टोला सत्ता पर काबिज है, उसके कारण कांग्रेस के नेताओं में ज्वालामुखी भड़क रहा है। मंडी के पार्लियामेंट के चुनाव से लेकर ये जो ज्वालामुखी है ये अब अपने अंतिम जोर में जा रहा है। कांग्रेस में भारी विस्फोट होने वाला है और नेतृत्व का परिवर्तन ये अवश्यम भावी है। ये परिवर्तन होकर रहेगा जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, क्योंकि पहले मित्रों का टोला था, अब अपनी श्रीमती को मैदान में उतारने के बाद जो लेवल ऑफ रिजेंटमेंट है वो अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए सत्ता में और नेतृत्व परिवर्तन ये अवश्यम भावी है, मुझे इतनी बात आपके सामने रखनी थी। आपका बहुत आभार। नालागढ़ में चुनाव आचार संहिता के भाजपा ने काफी आरोप लगाए हैं और खासकर देहरा में मुख्यमंत्री को आरोप ये भी लगे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है, तो अब तक कुछ चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें भाजपा ने की है और उस पर कोई कार्रवाई भी हुई है? मैं आपका धन्यवादी हूं। पहले दिन से लेकर मुख्यमंत्री जी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट के अंदर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला किया चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद, हमने उसकी भी कंप्लेंट की। चुनाव के शुरू होने के बाद इन्होंने फार्म, नकली फार्म भरने का काम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं, नकली फार्म किसी बहन को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। वो फार्म भरने का काम शुरू किया,
इनकी गाड़ियां पुलिस की गाड़ियों में, आरोप लगा रहा हूं, पुलिस की गाड़ियों में कांग्रेस पार्टी की शराब बंट रही है। पुलिस और सरकार के अधिकारी वो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर रह करके फायर कर रही है। फ्रंट फुट पर कांग्रेस के सरकार के अधिकारी लड़ रहे हैं। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर्स हो, आईपीएच के वर्कर हो, पीडब्ल्यूडी के वर्कर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसके शॉप इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, वो सारे हिमाचल से इकट्ठे करके नालागढ़, हमीरपुर और देहरा के अंदर भेज दिए हैं। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। परंतु बहुत मजेदार बात आपको बता कि सरकार तो धमका ही रही, पर जो चिट्टा माफिया के सरगना हैं वो भी नालागढ़ के अंदर दंदना रहे, दंदना, और उनको संरक्षण मिल रहा है सरकार के द्वारा। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, बंदे पकड़े गए चिट्टा के साथ और सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन होता है और वो बंदे छूट करके बाहर आ। हम प्रदेश को कहां लेकर के जा रहे हैं? चुनाव आएगा, चला जाएगा, परंतु प्रदेश की स्थिति को एकदम बिगाड़ने का काम ये किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद भ्रष्टाचार के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं और ये तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी पूरे धन का, शक्ति का, सरकार का दुरुपयोग करने के बाद हारने वाली है, ये निश्चित होने वाला है। उसके बाद में करेंगे, अभी तो लेटेस्ट बात। सर, देहरा की जनता का प्रश्न है कि आखिर आजाद उम्मीदवारों ने जो है वो इस्तीफा क्यों दिया, कि मुख्यमंत्री बनना था? आज सवाल, भाई साहब, 18 महीने में कुछ किया है क्या? मुख्यमंत्री जी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रहे, एक बात का जवाब तो दें। उन्होंने एक फूटी कौड़ी का काम देहरा में किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव क्यों हार गए मुख्यमंत्री जी? क्योंकि वहां की जनता ने साफ साफ बोला, मुख्यमंत्री जी ने नादौन में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम उनको पैक करके भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता डंके की चोट पर इकट्ठे होकर के चुनाव के मैदान में हैं। हर पोलिंग बूथ के ऊपर, हर जगह के ऊपर हमारे कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। और मजेदार बात आपको बताएं, चाहे वो आशीष के व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता टोटल एसिमिलेशन से काम कर रहे हैं, इसी तरह से जो अपने हुशार सिंह के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, और केएल ठाकुर और बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं,